हेलो एवरीवन इन दिस वीडियो आई एम डूइंग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ऑफ पॉलिनोमेल्स एक टाइप क्या है जैसे टाइप वन देर आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द बुक बट आई एम जस्ट शोइंग यू इन द फॉर्म ऑफ टाइप्स जैसे एक क्वेश्चन है बाय फैक्टर मेथड अब देखो उसने आपको मेथड मेंशन कर दिया राइट बाई फैक्टर मैथड कॉमा डिवाइड यू कैन टेक दिस क्वेश्चन एक्स square माइनस सेवन एक्स माइनस एटीन बाई किससे डिवाइड करना आपने एक्स माइनस नाइन से जब उसने एक बार मेंशन कर दिया कि फैक्टर मेथड तो आपने फैक्टर मेथड ही अप्लाई करना है राइट right? देखो कैसे करना है ये क्वेश्चन एक्स स्क्र माइनस सेवन एक्स माइनस एटीन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस नाइन अब आपने इसको स्प्लिट करना है एक्सक्र का कॉफिशेंट क्या है वन है कांस्टेंट टर्म क्या 18 है एटीन है वन इंटू एटीन हो गया एटीन एटीन के कोई दो फैक्टर्स सोचो जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो एटीन आए बट प्लस माइनस करने पर सेवन आए तो वो कौन से फैक्टर्स हैं नाइन इंटू टू तो ये बनेगा एक्स एक्सक्र माइनस नाइन माइनस टू इंटू एक्स माइनस एटीन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस नाइन अब आप इसको ओपन करो ब्रैकेट को एक्स स्वेयर माइनस नाइन एक्स माइनस माइनस बनेगा प्लस टू एक्स माइनस एटीन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस नाइन अब आप पहली दो टर्म्स में से क्या कॉमन ले लोगे एक्स अंदर क्या आया एक्स माइनस नाइन इन दो टर्म्स में क्या कॉमन आया प्लस टू एक्स माइनस एटीन एक डिवाइडेड बाई टू नाइन अपॉन एक्स माइनस नाइन अब आप फर्दर सॉल्व करो एक ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स प्लस टू दूसरे में आएगा एक्स माइनस नाइन दो बार है एक बार लिख देना आपने अपॉन एक्स माइनस नाइन एक्स माइनस नाइन से एक्स माइनस नाइन कैंसिल हो गया वट यू आर लेफ्ट विद यू आर लेफ्ट विद एक्स प्लस टू ऐसा क्वेश्चन जब भी अगर उसने फैक्टर मेथड मेंशन किया है तो आप फैक्टर मेथड से ही ये क्वेश्चन करेंगे अब आती है टाइप टू टाइप टू में जैसे मान लो आपने सिंपल डिवाइड करना है ठीक है जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है कि डिवाइड जैसे आपको सिंपल सा क्वेश्चन ले लो ट्वेंटी नाइन जेड माइनस सिक्स जेड स्केयर माइनस ट्वेंटी एट यू आर टू इट बाई थ्री जेड माइनस फोर एक बात का ध्यान रखना है लॉन्ग डिवीजन जब भी करनी है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना इट इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म तो पहले आएगा माइनस सिक्स जेड स्केयर फिर प्लस ट्वेंटी नाइन जेड और फिर आएगा माइनस ट्वेंटी एट और आपको डिवाइड करना है किससे थ्री जेड माइनस फोर से माइनस सिक्स जेड स्क्र को थ्री जेड से आप रफ में डिवाइड कर लो माइनस टू जेड आएगा माइनस टू जेड किसको मल्टीप्लाई करेगा थ्री जेड को तो माइनस सिक्स जेड स्क्र आएगा माइनस टू जेड अब माइनस फोर को करेगा तो प्लस एट जेड आएगा ये बन गया प्लस ये बन गया माइनस साइन चेंज हो गई दिस एंड दिस विल बी कट बिकॉज वन इज ऑफ नेगेटिव साइन वन इज ऑफ पॉजिटिव साइन ट्वेंटी नाइन प्लस का है एट माइनस का है तो ट्वेंटी वन जेड आ गया माइनस ट्वेंटी एट ट्वेंटी वन जेड को थ्री जेड से डिवाइड करोगे तो प्लस सेवन आएगा सेवन इंटू थ्री जेड बन गया ट्वेंटी वन जेड सेवन इंटू माइनस फोर बन गया माइनस ट्वेंटी एट ये माइनस ये प्लस दिस इज कैंसल्ड दिस इज कैंसल्ड रिमाइंडर क्या आ गया जीरो अब आप लिख सकते हो कोशेंट इज माइनस टू जेड प्लस सेवन एंड वट इज द रिमाइंडर जीरो सेम क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछा जा सकता है कि शो वेदर थ्री जेड माइनस फोर इज अ फैक्टर ऑफ दिस और नॉट जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए कि आप ये शो करो कि थ्री जेड माइनस फोर इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा या नहीं तो आपने बिल्कुल ऐसे डिवाइड करना है और अगर रिमाइंडर आ गया जीरो तो आपने लिखना है सिंस रिमाइंडर इज जीरो थ्री जेड माइनस फोर इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल मीन्स कोई पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर कब होगा अगर वो उसको पूरी तरह से डिवाइड कर दे और रिमाइंडर कितना आ जाए जीरो आ जाए तो ऐसे क्वेश्चन आपने करने हैं अब मैं एक डिवाइड एंड चेक का क्वेश्चन ले लेता हूं थर्ड टाइप दिस इज टाइप नंबर थ्री जैसे डिवाइड एंड चेक में आप कोई क्वेश्चन ले लेते हो डिवाइड एंड चेक कोई भी क्वेश्चन आप ले लो जैसे मैंने ले लिया ट्वेल्व जेड क्यूब प्लस फोर जेड प्लस थ्री जेड स्क्वे प्लस वन बाई किससे करना आपने डिवाइड फोर जेड प्लस वन से तो सोल्यूशन करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल यू चेक वेदर दिस पॉलिनोम इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म यस और नो इट इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो ट्वेल्व जेड क्यू प्लस थ्री जेड स्क् प्लस फोर जेड प्लस वन नो वंस यू हैव कन्वर्टेड इन स्टैंडर्ड फॉर्म डिवाइडेड विद दिस पोलिनोम दिस शुड ऑल्सो बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म अब ट्वेल्व जेड क्यूब को फोर जेड से डिवाइड करोगे तो थ्री जेड स्क्र आएगा एंड थ्री फोर जर ट्वेल्व जेड स्केयर इंटू जेड इज जेड क्यूब थ्री जेड स्केयर प्लस वन दिस मल्टीप्लाई थ्री जेड स्क्र ये भी माइनस बन गया ये भी माइनस कैंसल्ड कैंसल्ड क्या आया आपके पास फोर जेड प्लस वन फोर जेड को फोर जेड से डिवाइड करो प्लस वन आएगा प्लस वन विल मल्टीप्लाई दिस इट विल कम फोर जेड प्लस वन माइनस माइनस कैंसल कैंसल जीरो मान लो ये सेम ही क्वेश्चन अगर इस फॉर्म में आता कि डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय दिस एंड राइट क्वेश्चन एंड रिमाइंडर तो आप क्वेश्चन ये लिख देते रिमाइंडर ये लिख देते अगर सेम क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता कि चेक वेदर फोर जेड प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस और नॉट तो आप ऐसे ही डिवाइड करते और यहां लिख देते कि सिंस रिमाइंडर इज जीरोड प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस देखो एक क्वेश्चन में तीन तीन क्वेश्चन हो रहे हैं अब चेक कैसे करना है सभी क्वेश्चन के लिए सेम प्रोसीजर फॉर्मूला डिविडेंड फोर्थ क्लास में भी किया था फिफ्थ में भी किया सिक्स में भी किया सेवंथ में भी किया डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर अब एल एच एस करेंगे डिविडेंड डिविडेंड क्या होता है जो इस अम्ब्रेला के अंदर है ये ट्वेल्व जेड क्यूब प्लस थ्री जेड स्केर प्लस फोर जेड प्लस वन ये तो है डिविडेंड अब चलते हैं आर एच एस की तरफ आर एच एस में क्या है डिवाइजर है मल्टीप्लाइड कोशेंट है प्लस रिमाइंडर है तो डिवाइजर क्या है आपका देखो फोर जेड प्लस वन कोशेंट क्या है थ्री जेड स्क्र प्लस वन क्या है प्लस जीरो अब ये फोर जेड जो है वो मल्टीप्लाई करेगा थ्री जेड स्क्वेयर प्लस वन को फिर ये जो प्लस वन है ये भी मल्टीप्लाई करेगा थ्री जेड प्लस वन को अब फोर इंटू थ्री बन गया ट्वेल्व जेड इंटू जेड बन गया जेड क्यूब प्लस फोर जेड इंटू जेड वन फोर जेड प्लस थ्री जेड प्लस वन वन जा वन तो क्या बना ये ट्वेल्व जेड क्यूब फिर इसको लिख लेते हैं प्लस थ्री जेड स्क्र फिर प्लस फोर जेड आ गया प्लस वन अब आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि जो डिविडेंड में है वही ये आ गया तो आप लिख दोगे एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस वेरीफाइड अब मान लो एक नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो पॉलिनोमियल से क्या क्वेश्चन बनते हैं वट इज द डिग्री ऑफ कॉन्स्टेंट पॉलिनामियल तो आप लिखोगे जीरो अगर वो पूछेगा वट इज द डिग्री ऑफ फाइव तो आपको पता है फाइव है तो आप लिख दोगे इसकी भी डिग्री जीरो अगर वो पूछ ले माइनस टेन तो आप उसकी भी डिग्री जीरो लिखोगे क्योंकि माइनस टेन भी तो कांस्टेंट है राइट right? फिर मान लो आपको वो ए बी सी डी ऑप्शन में देता है कि आप ये चेक करो कि इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं है तो आपको बताया था कि पॉलिनोमियल वही होगा जिसमें वेरिएबल की पावर जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी अगर पावर नेगेटिव में है अगर मान लो वेरिएबल के ऊपर अंडर रूट का साइन लगा है या फ्रैक्शनल नंबर में पावर है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होंगे तो पॉलिनोमियल कोई बड़ा लंबा चौड़ा चैप्टर नहीं है आपको ये दो तीन कॉन्सेप्ट समझ आ गए तो इतना सा ही है क्वेश्चन कैसा भी हो आपको बेसिक ऑपरेशंस आने चाहिए मान लो अगर किसी बच्चे को यही नहीं पता कि जैसे ट्वेंटी नाइन जेड माइनस एट जेड ट्वेंटी वन जेड होता है देन नथिंग कैन बी डन फॉर दैट चाइल्ड उसको पहले अपने ऑपरेशन क्लियर करने हैं प्लस माइनस के इंटीजर कॉन्सेप्ट क्लियर करें फिर आपको सही आएगा थैंक यू वेरी मच